अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद हाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड जीके। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस आ रही हैं और हमने एक टॉपिक चलाया हुआ था बेसिक एंटमोलॉजी पार्ट वन एंड पार्ट टू की वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, जिनके अंदर फ़र्स्ट ऑफ ऑल बेसिक एंटमोलॉजी पार्ट वन की वीडियो के अंदर हमने कवर किया था ओवरऑल जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स एंड इंसेक्ट्स, एंड देन बेसिक एंटमोलॉजी पार्ट टू के अंदर हमने डिस्कस किया था जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जोस्केलेटन, क्योंकि इंसेक्ट के अंदर एग्जोस्केलेटन होता है उसके हमने जनरल करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि एग्जोस्केलेटन का क्या फंक्शन है और वो किस तरह इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर हेल्पफुल होता है और डिफरेंट फंक्शंस डिफरेंट रोल प्ले करता है, बॉडी कवरिंग के तौर पर करता है, वाटर कंजर्वेशन करता है, सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, इस तरह ओवरऑल काफ़ी सारे करेक्टरिस्टिक्स थे। वो वीडियो इस चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं या देख चुके हैं। तो आज हम बेसिक एंटमोलॉजी पार्ट थ्री के बारे में बात करेंगे, उसी प्रीवियस बेसिक एंटमोलॉजी पार्ट टू से आगे हम कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हमने छोड़ा था इंसेक्ट की बॉडी को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया था, थ्री सेगमेंट्स के अंदर हमने कहा था, उन थ्री सेगमेंट्स को हम टैगमा या टैगमेटा बोलते हैं। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑन द हेड, क्योंकि हमने इंसेक्ट की बॉडी को तीन हिस्सों में डिवाइड किया था कि हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, और इन तीनों सेगमेंट्स को कंबाइन करके हमने एक नाम दिया था जिसको बोलते हैं टैगमेटा। आज हम उनका इंसेक्ट की बॉडी का एक फर्स्ट सेगमेंट मीन हेड को स्टार्ट करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रक्चर्स ऑन द हेड, हेड के ऊपर कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनके क्या फंक्शन है और इंसेक्ट्स की लाइफ के अंदर वो क्या रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑन द हेड इंक्लूड एंटीना, हेड के ऊपर जो मेन फर्स्ट स्ट्रक्चर है एंटीना मौजूद होते हैं, सेकंड वन आइज एंड थर्ड वन माउथ पार्ट्स। मीन इंसेक्ट की बॉडी के को तीन हिस्सों में अगर डिवाइड करें हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, अब हेड की बात कर रहे हैं तो हेड के ऊपर मज़ीद थ्री सब स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो इंसेक्ट की लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आज हमने डिस्कस करना है कि वो कौन से तीन स्ट्रक्चर्स हैं, वो स्ट्रक्चर्स हैं एंटीना, आइज एंड माउथ पार्ट्स, इन तमाम को हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं एंटीना को, क्योंकि तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एंटीना है, आइज हैं, माउथ पार्ट्स हैं, तो हम एंटीना को डिस्कस करते हैं कि एंटीना क्या हैं और ये क्या फंक्शंस करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं इंसेक्ट को रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर या डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने में कि क्या हेल्पफुल हैं या नहीं हैं। दीज आर द ऑर्डर रिसेप्टर्स ऑफ इंसेक्ट्स, एंटीना क्या है, ऑर्डर रिसेप्टर्स ऑफ इंसेक्ट्स, मीन इंसेक्ट्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं ये एंटीना इंसेक्ट्स की लाइफ के अंदर, इंसेक्ट्स इनको एज ए रिसेप्टर्स यूज़ कर रहे हैं, वो रिसेप्टर्स उनके फूड रिसेप्टर्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, मीन फूड को आइडेंटिफाई करने के लिए, फूड की सर्चिंग के लिए भी एंटीनास को यूज़ करते हैं, इसके अलावा डेंजर के लिए भी इन एंटीना को यूज़ करते हैं इंसेक्ट, और इनको अपनी डेंजर जोन के अंदर काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ये एंटीना। तो मीन हमें क्लियर हो गया है डीज आर दी ऑर्डर रिसेप्टर्स ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट को हर किस्म की रिसेप्शन प्रोवाइड करते हैं एंटीना। सेकेंड वन दे कम इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स एंड शेप्स, ये इंसेक्ट्स टू इंसेक्ट्स वेरी करते हैं, मीन इनकी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, बहुत सारी शेप्स हैं हर इंसेक्ट के अंदर, हर स्पीशीज़ हर आर्डर के अंदर ये डिफरेंट होंगे। थर्ड वन दे आर यूज बाई एंटमोलॉजिस्ट इन इंसेक्ट आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज सेकेंड पे हमने कहा है कि दे आर वेरी फ्राम शिपीसीज टू शिपीसीज, ये वेरी कर रहे हैं इंसेक्ट टू इंसेक्ट वेरी कर रहे हैं, तो इनकी इसी वेरिएशन की वजह से डिफरेंट शेप्स की वजह से ये हेल्पफुल हैं डिफरेंट इंसेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। एंटीना की बुनियाद पे हम इंसेक्ट को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लेते हैं और एंटीना की बुनियाद पे हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब हम फर्स्ट वन बाई वन एंटीनाज की बहुत सारी टाइप्स हैं, हम कुछ चंद एक टाइप्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उनकी एग्जांपल्स लेंगे। फर्स्ट ऑफ
फॉल फिली फॉर्म एंटीना किसके अंदर पाया जाता है? हाउस क्रिकेट्स वगैरह जितने भी क्रिकेट्स हैं उसके अंदर ये फिली फॉर्म एंटीना पाया जाता है। चलते हैं देखते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन। ये हैं जी हाउस क्रिकेट्स, आपने मोस्टली देखे हुए होंगे, घरों के अंदर पाए जाते हैं, फील्ड के अंदर भी पाए जाते हैं। हाउस क्रिकेट है, फील्ड क्रिकेट है, ये सारे मौजूद होते हैं। इसके अंदर जो एंटीनास पाए जाते हैं वो फिली फॉर्म एंटीना है। एंटीना को ज़रा हम जूम करके देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं जी, ये क्रिकेट्स के एंटीना हैं। इनके आगे मज़ीद आइडेंटिफिकेशन करेक्टर्स हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम जस्ट एंटीना की बात कर रहे हैं और उनके जनरल टाइप्स के नाम और उनकी एग्जांपल्स देख रहे हैं। फिलीफॉर्म के बाद नेक्स्ट है लैमलेट एंटीना, ये बीटल्स के अंदर पाए जाते हैं और इसको आप देख सकते हैं, इस तरह की एक जूम की हुई एक पिक है। नेक्स्ट हमारे पास है फीदरी एंटीना, मोथ्स एंड बटरफ्लाइज़ के अंदर ये एंटीना पाए जाते हैं। मोथ्स एंड बटरफ्लाइज़ आप देख सकते हैं, ये फीदरी एंटीना ये है एंटीना, जस्ट लाइक फीडर्स की तरह ये एंटीना है। मोथ्स के अंदर और बटरफ्लाइज़ के अंदर फीदरी एंटीना पाए जाते हैं। अरिस्टेट एंटीना ऑफ टेस्टिस फ्लाई, टेस्टिस फ्लाई जो है उनके अंदर जो एंटीना पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं अरिस्टेट एंटीना। आप देख सकते हैं ये एक टेस्टिस फ्लाई की जूम की हुई पिक है जिसके अंदर ये अरिस्टेट एंटीना मौजूद है। नेक्स्ट जेनुलेट और एल्बोर्ड एंटीना, एंट्स के अंदर जो एंटीना पाए जाते हैं उनको हम जेनुलेट भी बोलते हैं, एल्बोर्ड भी बोलते हैं। ये जस्ट लाइक एल्बो की तरह होते हैं, दैट्स वे हम इसको ये नाम देते हैं। नेक्स्ट वेलवेट एंट, अच्छा इसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। द वेलवेट एंट इज़ नॉट एन एंट नोट द एंटीना, इसके अंदर अगर आप देखें तो ये एंट के साथ रिजेंबल करती है लेकिन ये खुद एंट नहीं है। इट्स अ वेस्प एंड आल्सो कैट्स कॉल्ड एज कॉकिलर, मीन जिसको देखने से आपको पता चल रहा है ये जस्ट लाइक एंट है, इसलिए इसको एंट्स के नाम वेलवेट एंट का नाम दिया गया है, लेकिन ये एंट नहीं है बल्कि ये एक वेस्प है और इसको हम कॉकिलर भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्लोमोज एंटीना ऑफ मेल मॉस्किटोज, मीन मेल मॉस्किटोज जितने भी होंगे उनके अंदर जो एंटीना होंगे वो कौन से होंगे? प्लोमोज होंगे। और इसी तरह फीमेल के अंदर जो एंटीनाज होंगे उनको हम पाइलोज बोलते हैं। प्लोमोज और पाइलोज आपने डिफरेंस रखना है कि प्लोमोज हमेशा जो मेल मॉस्किटोज होंगे उनके अंदर प्लोमोज होंगे और फीमेल के अंदर पाइलोज होंगे। ये मेल मॉस्किटो का एंटीना दिखाया गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ओवरऑल ये आज की डिस्कशन थी बेसिक एंटोमोलॉजी पार्ट 3, स्ट्रक्चर्स ऑन द हेड ऑफ इंसेक्ट्स। हेड के ऊपर 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंटीना, आइज एंड माउथ पार्ट्स। आज हमने डिस्कस किया कि एंटीना क्या हैं और कौन से फंक्शंस या कौन सा रोल प्ले करते हैं इंसेक्ट की लाइफ के अंदर, और हमने एंटीना की कुछ टाइप्स देखी हैं, कौन से एंटीना किस किस्म के इंसेक्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो इसी से आगे बेसिक एंटोमोलॉजी पार्ट 4 कंटिन्यू होगा यहाँ से, जो कि होगा एंटीना के बाद आइज़ के बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अब तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो kindly चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।